Okay, so here is my refrigerator, LG knock knock door getting delivered. Of your refrigerator with model number GCX247CSAV. The MRP of this product is 1,94,290 inclusive of all taxes. The capacity of this refrigerator is 668 liters with net weight 126 kg. Okay, so here I'm unboxing this LG refrigerator, and the technician from LG has come. His unboxing. Inside this fridge, let's see what's inside. This is one owner's manual, and there is a tool here. Bas itna hi hai. ऊपर फ्रीजर रहता है और नीचे फ्रिज रहता है ना, वैसे साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर में अपना फ्रीजर इधर दिया हुआ है और फ्रिज का इधर दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे आपको क्यूब आइस क्यूब वगैरह लेना है, क्रश आइस लेना है, तो कंटेनर में पानी डालना पड़ेगा आपको। इसमें ये कंटेनर दिया हुआ है, यहाँ पे एक स्विच लगी हुई है, ठीक है। तो आपको क्यूब वाटर और क्रश आइस के लिए इस कंटेनर में पानी डालना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसा ओपन होता है, 2-3 लीटर 4 लीटर तक का बना हुआ है, ये कम भी डाल सकते हो ज़्यादा भी डाल सकते हो 4 लीटर तक का। तो ऐसे ही खोलना है और वापस जब आप सेट करेंगे ना, ये जो होल है ना बराबर जाएगा और वो स्विच भी बराबर जाएगा, ऐसा लॉक होना चाहिए, ठीक है। लॉक हुआ नहीं, वो कैसे कुछ पता चलेगा? वो देखो, अच्छा वहाँ से खींचने लेता है पानी,
तो ये अगर साउंड आया मतलब वो फिट हो गया है। हाँ वो फिट है वो, ठीक है वो फिट दबेगा तो ही। जैसे रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं ना सेम जैसे अपने यूज़ किए ना ये बॉटल्स वगैरह के लिए दिए हुए हैं, सबसे ज़्यादा चीलिंग जोन यहाँ पर होती है, ठीक है फिर धीरे धीरे टेम्परेचर कम होते रहता है इधर। यूटिलिटी बॉक्स है, आप उसमें फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हैं, जो आपको रखना चाहें रख सकते हैं, आप सारे ग्रीन वेजिटेबल्स आपके ये दोनों में आएंगे, है ना। इसका तो समझ गए, ये एक्स्ट्रा सेल्फ दिया हुआ है, आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, मिर्ची वगैरह भी रख सकते हो, अदरक वगैरह भी रख सकते हो, ठीक है। इसका मैं बताऊंगा आपको, इसमें भी आप कुछ भी रख सकते हो, ब्रेड्स वगैरह जो भी आप डेरी कॉर्नर टाइप के यूज़ कर सकते हैं उसके। जैसे रेफ्रिजरेटर वाला यूज़ कर रहे हैं ना सेम टू सेम वैसे ही यूज़ करना है आपको, इधर से कोई टेम्परेचर कम ज़्यादा करने का बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको स्वेटिंग लगेगा, मॉइस्चर लगेगा, अगर लिक्विड वाला कोई जैसे दूध दही या पानी वगैरह रखते हैं तो एयर का फ्लो डायरेक्ट यहीं से ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड वाला जैसे सामान रखते हैं ना तो क्या होता है यहाँ पे मॉइस्चर आने लगता है, ड्रॉप ड्रॉप पानी आपको लगेगा, तो आप 1 वीक में एक बार इसको कपड़े से पोंछना पड़ेगा आपको, अगर ज़्यादा आ रहा है तो बरसात में ही तकलीफ होगी थोड़ी सी, ठीक है, बाकी सीज़न में नहीं होगा आपका। अच्छा, और वो हाइजीन फ्रेश क्या है इसमें स्पेशल? हाँ मैं बता रहा हूँ, इधर दिया हुआ है उसका, ठीक है, एक और ये पावर दो, ठीक है। क्या है ये? बैड स्मेल के लिए दिया हुआ है, फंगस एंटीबैक्टीरियल जाम फंगस वगैरह सब मारने का काम करता है, डेली आप 2 से 2.5 घंटा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंटिन्यू ऑन करना है? हाँ इसको ऑन करना है, इसको डेली हाँ डेली 2-3 घंटे ऑन कर सकते हैं, मतलब ये ड्यूटी हो गई, मतलब डेली ऑन करना है, ऐसा है क्या? या कंटिन्यू भी कर सकते हो लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं रखना है। जैसे आप ग्रीन वेजिटेबल्स नया लेके आ रहे हैं तो उसको एक बार ऑन कर सकते हैं, हाँ हाँ एक्स्ट्रा, हाँ उसमें एक तो स्मेल नहीं आएगा, दूसरा जो जर्म वगैरह आता है उसको, वो एक फैन लगी रहती है छोटी सी इसके अंदर में, वो फिर लिक्विड भी है उसके अंदर तो पूरा उसको ख़त्म कर देता है, स्मेल वगैरह कुछ आने नहीं देता। दो बार फ्रीजर में फ्रोजन आइटम रखना है आपको, ठीक है, अगर आप मीट फिश चिकन खाते हो तो वो रख सकते हैं, प्योर वेज है ना, टोटल ड्राई फूड्स। अच्छा, और दाल वगैरह रख सकते हो, सूजी वगैरह है, बेसन वगैरह है, जो बाहर रखने से ख़राब हो जाते हैं, इसमें रखोगे नहीं होगा ख़राब। कहीं पर भी आइस क्यूब ले सकते हो आप, अगर आप बड़े गंजी में लोगे तो उसका टाइम ज़्यादा लेगा, है ना, कंटेनर का टाइम 1.5 घंटा समय दिया हुआ है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में पानी लेते हो तो फिर रात के समय रखना तो सवेरे जमा। मैडम बहुत इजी है, जैसे वह चलाते हैं सेम टू सेम है, ये आपका फ्रीजर का टेम्परेचर है, ये फ्रिज का टेम्परेचर है, ठीक है। और ये कितना रखना है? हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ से चालू हो गई है 7 से। अच्छा। फ्रिज अगर जैसे विंटर में आपको कम कूलिंग चाहिए तो 7-6-5 तक चलाना है आपको, अभी तो आप 4 में सेट कर देते हैं इसको। और फ्रीजर का? फ्रीज़र का -20 ठीक रहेगा, लेकिन 24 तक आता है, ठीक है। जैसे आप बाहर मार्केट से आइसक्रीम खरीद रहे हैं तो अभी -20 में आइस कितनी देर में जम जाएगी? अभी तो कम से कम 4 घंटा खाली रनिंग करना है, खाली चलाना है आपको, 4 घंटे के 5 घंटे के बाद डालोगे तो 1.5 घंटा समय लेगा, 1.5 घंटे में आइस जम जाएगी। वो उसमें आपका उस जो ट्रे बना हुआ है ना उसमें जम जाएगी। तो ये बाकी क्या क्या फंक्शन है? अब ये -24 इसका हाईएस्ट टेम्परेचर दिया हुआ है। ओके, लेकिन रिपोर्ट करोगे तो क्या क्या ऑप्शन है? क्यूब है, वाटर है और क्रस्ट आइस, ठीक है। तो वो कंटेनर में पानी भरेंगे तभी ये तीनों फंक्शन काम करेगा आपका। अच्छा, तो ये डिस्प्ले लॉक करना है ना आपको, तो इसको 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे, यहाँ ये लॉक खुल गई, अब कोई भी बटन प्रेस करोगे तो फंक्शन काम करने लगेगा, और जैसे लॉक करोगे तो फिर काम नहीं करेगी, ये लॉक हो गया। okay. अब कोई बटन काम नहीं करेगा आपका फंक्शन। ओके, वहाँ से लाइट्स ऑन। हाँ, वो रात के लिए भी दिया हुआ है। अब ये जो एक्सप्रेस फ्रीजिंग दिया हुआ है, स्टार का सिंबल आ गया है आपका, ये आपके फास्ट फ्रीजिंग के लिए दिया हुआ है। जैसे आप एक नॉर्मल टेम्परेचर 4 डिग्री सेट करते हो ना, एक्सप्रेस फ्रीजिंग यूज़ नहीं करते हो तो क्या होगा, ये इसका टाइमिंग जो है 1/2 घंटा चलेगा आपका कंप्रेसर, उसके बाद 10-15 मिनट के लिए अपने आप बंद होगा सेंसर के थ्रू, जैसे एयर कंडीशन में होता है वैसे। तो अगर आप ये हर 15-20 मिनट 25 मिनट के अंदर में आपका कंप्रेसर कट ऑफ होगा, ठीक है। अच्छा।
जब आप एक्सप्रेस फ्रीजिंग यूज करेंगे तो कंप्रेसर आपका कट होगा ही नहीं, कंटिन्यू ढाई से तीन घंटे ढाई से तीन घंटे का ही टाइमिंग है इसका। ढाई से तीन घंटे में क्यूब वगैरह दे देगा आपको, कूलिंग भी अच्छी फास्ट कर देगा। ये कब यूज़ करना है, जब घर में कुछ फंक्शन है आपको फास्ट कूलिंग चाहिए, डोर ओपन नहीं करना, ऑन करके छोड़ दिए। और ये फ्रिज का डोर हम दिन में कितनी बार ओपन कर सकते हैं? और जितना ज़्यादा आप डोर खोलोगे कूलिंग उतना ज़्यादा लॉस होगी आपकी। तो नॉर्मली ज़्यादा देर खोल के भी नहीं रखना है ना। कितनी देर, जैसे अगर कुछ सामान निकाल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक से दो मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, एक से दो मिनट से ज़्यादा देर। और दिन में कितनी बार हम ओपन कर सकते हैं? में आप कर सकते हो 10-12 बार 15 बार, मैंने उसमें देखा था 66 टाइम्स कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ, ये तो स्मार्ट थिंक यू करके एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, यूजर मैनुअल में है। इसको आपको वाईफाई से कनेक्ट करके इसको 3 सेकंड के लिए, पहले इसको हटाते हैं ना, 3 सेकंड के लिए इसको भी होल्ड करना है आपको। अच्छा, ये आ गया सिम्बॉल वाईफाई का, आपके ऐप के थ्रू और उससे सेट होगा ना, तो फिर आप अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो, टेम्परेचर कम ज़्यादा वगैरह सब कर सकते हो। ठीक है मैडम, दो बार आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर बॉटल्स वगैरह भी रख सकते हैं, जो चॉकलेट्स वगैरह जो आपको ज़्यादा चील्ड रखने हैं वो सब रख सकते हैं। प्रेस, सो दिस इज द टॉप पार्ट ऑफ द फ्रिज एंड दैट इज़ द पीसीबी। यहीं से पूरे फ्रिज की सिस्टम जो है वो यहाँ से ऑपरेट होती है। नॉक नॉक ट्वाइस, से इनसाइड। सो दिस इज द अनबॉक्सिंग ऑफ एल जी इंस्टाव्यू स्मार्ट डोर इन डोर रेफ्रिजरेटर विथ वाईफाई एंड नॉक नॉक technology. If you have any queries related to this model, you can comment below and stay tuned for my next video once my mom set this fridge in a beautiful way. So thank you so much for watching, stay tuned, lots of love, don't forget to like, comment and subscribe.